आज बात करेंगे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट फॉर बिगनर्स, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, मार्केट रिसर्च, लोकेलिटी एंड डॉक्यूमेंट, वेस्ट इन इस्लामाबाद रियल स्टेट, सीडीएस सेक्टर इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राणा वकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल इन्वेस्टर्स फॉर। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त है और आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देगी, एंड तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फॉर बिगनर्स इन सीडीए सेक्टर एंड रियल स्टेट इस्लामाबाद। बेसिकली मोस्टली जो लोग हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी होती है लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती हमने कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा एरिया बेहतर है, कौन सा नहीं बेहतर है। इसके लिए भी एक ये पूरा फिनोमेना है जिसको समझने के लिए आपको प्रॉपर्टी डीलर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि प्रॉपर्टी होती कितने किस्म की है। चार किस्म की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होती हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में मोस्टली जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो दो टाइप्स की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, रेजिडेंशियल में और कमर्शियल में। रेजिडेंशियल में भी आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, कमर्शियल में भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ अभी इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद के अंदर भी दो टाइप्स की आगे कैटेगरी है रेजिडेंशियल और कमर्शियल के अलावा। इधर आप कर सकते हैं सीडीए सेक्टर में, अगर आपका बजट कम है तो देन आप कर सकते हैं हाउसिंग सोसाइटीज में। हाउसिंग सोसाइटीज और सीडीए के सेक्टर्स में बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। जिसका बजट हाई है वो सीडीए में जाता है और ज्यादा सिक्योर होता है, और जिसका बजट थोड़ा सा लो है वो सोसाइटीज के अंदर चला जाता है और अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। चलते हैं अपने दूसरे स्टेप पे, बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी। बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी मुख्तलिफ इसमें कैटेगरीज आती हैं। कुछ लोग जो कमर्शियल प्लॉट्स लेते हैं या रेजिडेंशियल प्लॉट लेते हैं, उनके जो कमर्शियल लेते हैं वो प्लाजा वगैरह बना के उसको सेल आउट करते हैं या उसको रेंटल करते हैं। रेंटल भी एक अच्छी हैंडसम अमाउंट उनको इन्वेस्टमेंट बेनिफिट के तौर पर मिल रही होती है, और एज ग्रेजुअली जैसे टाइम गुजरता है ऐसे उसकी कदर में भी हो रहा होता है। अगर हम बात करें रेजिडेंशियल की, रेजिडेंशियल में आप जब भी प्लॉट लेते हैं तो उसके बाद आप घर बनाकर कुछ लोग सेल कर देते हैं और कुछ लोग उसको रेंटल कर देते हैं। रेजिडेंशियल में भी दो टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है, एक डेवलप सेक्टर्स और एक नॉन डेवलप सेक्टर। डेवलप सेक्टर्स के क्या बेनिफिट्स हैं और नॉन डेवलप सेक्टर्स के क्या बेनिफिट्स। डेवलप सेक्टर्स और नॉन डेवलप सेक्टर की इंशाल्लाह मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका बजट क्या है। बजट पे डिपेंड करता है आप प्रॉपर्टी कैसी लेना चाह रहे हैं। अगर तो आपका बजट लो है तो आपको यूं समझ लें कि इस्लामाबाद के अंदर आपको बिल्कुल लोएस्ट मींस के बॉटम लाइन को टच कर रहा होता है। मोस्टली लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं कि आप 1 लाख डाउन पेमेंट कर लें या 2 लाख कर लें, 5 लाख कर लें, 10 लाख कर लें, इससे आपको प्लॉट जनरेट हो जाएगा। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि वो 10 से 15 साल का प्रोजेक्ट है जो आपको 10 से 15 साल पहले के ख्वाब दिखा के आपसे पैसे लूट रहे हैं। बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो मैं आपको एज ए रियल एस्टेट एक्सपर्ट आपको मशवरा दूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आपने अपने 1 करोड़ को 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए में कैसे कन्वर्ट करना है, और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी मैं सिलेक्ट करूँ जहाँ पे इतना ज्यादा मार्जिन हो और जहाँ मैं आज इन्वेस्ट करूँ और वहां मुझे ज्यादा फायदा मिल सके। इसके बाद मैं आपको बताता चलो, आपने मार्केट रिसर्च करनी है। फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं इस्लामाबाद में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इस्लामाबाद की मार्केट्स चेक करें, मुख्तलिफ लोगों से राय लें। आप फॉर एग्जांपल मैं सीडीए का काम करता हूँ, सीडीए सेक्टर्स में आप चेक करें कि आपका बजट कौन से ज्यादा सेक्टर में आप फॉल कर रहे हैं और किस में आपको ज्यादा मार्जिन नजर आ रहा है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने पहले अपने माइंड को खुले अंदाज में छोड़ देना है और उसके बाद आपने जो सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी सेक्टर सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर अपने माइंड को उसी पे फोकस रखें, इधर उधर कंफ्यूज मत होने दें। लोकेलिटी और डॉक्यूमेंट्स पे बात करें तो लोकेलिटी मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने इस्लामाबाद के अंदर सोसाइटीज और सेक्टर्स, ये दो पैरेलल इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज हैं जहाँ पे मेजॉरिटी लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं
और ये दोनों पैरेलल होते हैं। कई लोगों को सोसाइटीज पसंद होती हैं और कई लोगों को सीडीए सेक्टर्स। यहाँ आपको मैं बताता चलूं कि सोसाइटीज कभी भी सीडीए का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ये प्रॉपर गवर्नमेंट का इदारा है जो पूरे इस्लामाबाद को डेवलप करती है, ओन करती है, और ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी सॉलिड इन्वेस्टमेंट होती है, ऑथेंटिक। आपको गवर्नमेंट पेपर मिलता है अलॉटमेंट लेटर की शक्ल में। इसके पैरेलल जो सोसाइटीज में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ऑथेंटिक गवर्नमेंट अलॉटमेंट लेटर नहीं होता। मोस्टली जो इस्लामाबाद में सोसाइटीज हैं वो इंटरनल ट्रांसफर देती हैं, आपको इंटरनल अपना अलॉटमेंट लेटर आपको देते हैं, रजिस्ट्री नहीं होती। उनका अपना जो कंपनी का लेटर ऐड होता है उस पे ही आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है। और इसके साथ साथ वो फाइल सिस्टम भी है। फाइल सिस्टम का आपको पता है कि एक मकरू धंधा है जो काफी टाइम से दाइयों से चलता आ रहा है। सोसाइटीज वालों के पास इतनी जमीन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल उनके पास अगर 1,000 कनाल है तो वो 1,00,000 कनाल की फाइल्स भेज देते हैं मार्केट में और बाद में कलेक्ट करते रहते हैं लोगों के अरबों रुपए। पहले भी डूबे हैं, अभी भी डूब रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती। मुख्तलिफ उनके साथ स्कीमें लगाई जाती हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ ऑफर्स की जाती हैं जिनसे सादा लोग इंसान ईजीली फंस जाते हैं और उनके जाल में हमेशा पड़े रहते हैं। ये जितनी डिटेल थी, ये जितने लोग हैं बिगनर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल इस्टेट इस्लामाबाद में, उनके लिए वीडियो बनाई थी। एंड पे मैं बताता चलूँ कि ये सारी वीडियो आपने देखी है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं एंड पे बताता चलूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मेरी रिकमेंडेशन है सीडीए सेक्टर, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक इदारा है, गवर्नमेंट का है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। पूरे इस्लामाबाद को ये डेवलप करती है, ओन करती है। जितनी प्रॉपर्टीज हैं सीडीए के अंदर, ये सारी की सारी सीडीए के अंदर ही ट्रांसफर होती है। ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज खरीदें, फाइल सिस्टम में मत जाएं, चाहे वो सीडीए की फाइल हो चाहे वो सोसाइटी की फाइल हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके साथ ही राणा प्रकाश को दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।